भीम के बारे में इधर बात करो। भीम कहाँ है? अभी क्या कह रहा बोलो, क्या कह रहे बोलो? भीम का कोई भगवान है नहीं? अभी का गाली दे रहा भीम की है बोलो। बोलो यार, क्या है भीम की माता? बोलो ना। नहीं भीम, मोबाइल सुबह हमने जाके कतई यू का है नहीं तो गाड़ी पर भीम लगाए तुमका का दिक्कत है बताओ? तुम हो पागल, हमें भगवान नहीं बोल। इस जनेऊधारी की बातें आपने सुनी, कितना जहर भरा है इसके अंदर परम पूज्य बाबा साहब को लेकर। और ये जहर अभी कुछ ही दिनों में इसके मन में नहीं पला होगा, बचपन से इसके कानों में डाला गया होगा। ये दलित जाति से है, ये महार जाति से है, चमार जाति से है, ये भंगी जाति से है। इस तरह का जहर इसके दिमाग में भरा गया है कि इस पूजा पाठ करने की उम्र में, भगवान को याद करने की उम्र में ये बाबा साहब के फोटो लगे हुई मोटरसाइकिल से भिड़ गया। आइए बताता हूँ इसकी हकीकत, इसकी औकात। यह वीडियो सीतापुर माहौली थाना के अंतर्गत ग्राम भेंडा का है। प्रेम शंकर कोरी दिनांक 20 अगस्त 2023 को सुबह प्रातः 9:30 बजे जब बहटी गांव पहुंचा तो वहां उसकी बाइक पर नमो बुद्धाय जय भीम लिखा देख बहटी गांव के ही कमलू त्रिवेदी, नाम पर ध्यान दीजिए, कमलू त्रिवेदी ना कि कमलू खान है, पुत्र होरीलाल त्रिवेदी द्वारा प्रेम शंकर से कहा गया कि तुम क्या चमार हो जो बाइक पर यह नमो बुद्धाय जय भीम लिख के घूम रहे हो। उसके जवाब में प्रेम शंकर ने कहा कि आप बुद्ध और अम्बेडकर को नहीं जानते हो। इस पर कमलू त्रिवेदी काफ़ी नाखुश हो गया और लगा प्रेम शंकर को गालियां देने। तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक को इसने गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी। विरोध करने पर मारने पर भी उतारू हो गया, जान से मारने की धमकी भी दी। जिस समय यह वाक्य चल रहा था वहां पर और भी पीछे ग्रामीण लोग दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में थाना महोली में प्रार्थना पत्र दिया गया है। बहुत ही दबाव के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो इंचार्ज है इस मामले में आईओ मनोज सिंह, उसने इस मामले में तफरीश की। इस त्रिवेदी को बुलाया, कुछ देर उसको बिठा कर रखा, फिर उसको छोड़ दिया गया। हालांकि जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो अपने आप में पूरे देश में एक हड़कंप मच गया, दलित समाज में काफ़ी रोष का मतलब माहौल है। इस विषय पर भीमसेना उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र भारती ने भी अपना बयान प्रस्तुत किया है, आइए देखिए उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले समता आवाज़ टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही मनोज जी आपका भी। इस देश भर के अंदर जहाँ से भी इस तरीके की सामाजिक या धार्मिक या महापुरुषों के प्रति जब ये अश्लीलता सामने आती है तो उसे आप मुखरता के साथ में उठाने का काम करते हैं। ये मोहाली थाना सीतापुर जनपद का जो मामला सामने आया है, कमलू त्रिवेदी नाम का ये एक नाजायज कीड़ा विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस दुनिया के अंदर समानता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है जो मैं शायद आपके चैनल पर, आपके टीवी चैनल पर बैठकर कहीं यहां बोल नहीं सकता। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे सामने पड़ते हैं तो उनको उस आवाज, उस बोली, उस भाषा का क्या हश्र होता है वो सामने ऑन द स्पॉट दिखाया जा सकता है। भीमसेना सबसे पहले ऐसे लोगों का इंतजाम करना जानती है और किया भी है और आगे भी करेंगे, इसका भी करेंगे। सुबह ही मैंने वहां के थानेदार से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर को भी बड़ा कड़े शब्दों में हिदायत दी गई है कि इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजें, क्योंकि पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है और ऐसे व्यक्ति इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर जो एक भाईचारा बना हुआ है उसको खराब करने का काम करते हैं। एक तरफ विश्वगुरु की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग
ऐसे नाजायज लोग, नपुंसक लोग, जो नारा, जो संदेश इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात की गई थी, वो विश्व गुरु बनाने की बात भी सम्राट अशोक के टाइम की है, तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद बताई गई है, कही गई है। एक बाइक के ऊपर नमो बुद्धाय लिख दिया गया, जय भीम लिख दिया गया, तो इनके पेट में दर्द हो गया। और ये तमाम अपनी गाड़ियों के ऊपर अपनी जातियों का उल्लेख लिख करके घूम रहे हैं, कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हमने कभी कोई किसी को अनाप शनाप नहीं बोला। अगर यही बातें, अगर ये ब्राह्मण जनेऊधारी अगर कहता है या बोलता है या इसका समर्थन करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, चेतावनी समझ लेना, जहाँ भी तुम्हारी लिखी हुई जाति गाड़ियों पर मिली, तोड़कर आग लगा दी जाएगी उनमें। इस देश के अंदर केवल और केवल भारतीय लोग रहेंगे, जाति या धर्म का उल्लेख करना बिल्कुल सरासर गलत है, कानूनन अपराध है। और ये अपराध आप लोग करते हो। एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति ने, एक अंबेडकरवादी ने जय भीम ही तो लिखा है, उस पर दिक्कत क्या है? जय भीम किसी जाति का उद्घोष नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी मानव का भी नहीं है। अरे वो तो एक संदेश है, एक अभिवादन है। आप अनेकों प्रकार के अभिवादन देते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप अपने जय श्री राम कह करके लोगों की हत्याएं करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जबरदस्ती उनसे जय श्री राम बुलवाते हैं, उस पर भी हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमारी गाड़ियों पर अगर जय भीम या नमो बुद्धाय लिखा हुआ है, तो उसमें तुम्हें क्या ऐतराज है? इलाज कर दिया जाएगा, बढ़िया वाला इलाज कर दिया जाएगा। हम संविधान को मानते हैं और यही संविधान हमें तलवार और बंदूक उठाने की इजाजत देता है, कमजोर ना समझे। कमलू या कलमू, जो भी तू है, सीमा में रह करके ही इन चतुर्वेदी, त्रिवेदी और द्विवेदी लोगों को बातें करनी है। आप अपने जाति या धर्म की, आप अपने किसी देवी या देवता की बात करते हैं, हम उसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप अंधविश्वास, आप पाखंडवाद, आप लोगों के बीच में जाकर रोजाना नौटंकी, आप फ्री की कमाई खा करके अपने घर परिवार को बसाने का, चलाने का काम करते हैं, हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुषों की तरफ अगर उंगली उठाई, उंगली काट दी जाएगी, आंखें दिखाई तो आंखें निकाल ली जाएंगी, ये चेतावनी समझना। विजेंद्र भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भीमसेना बात कर रहा हूं, संविधान को मानता हूं, यही संविधान मुझे हथियार उठाने पे भी रोक नहीं सकता। बस इतना ही काफी है। और मैं पुनः फिर आप जैसे लोगों को कहना चाहता हूं, हम लोग इस देश के अंदर भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं, किसी भी तरीके का विवाद ना करें और ना करवाएं। आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन किसी भी अंबेडकरवादी को अगर किसी भी तरीके का कमेंट या उसको बेइज्जत करने का पुनः प्रयास किया गया, तो इलाज कर दिया जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जनपद सीतापुर के तमाम भीम सैनिकों को, ये मेरा आप सभी को एक आदेश भी कह सकते हैं, महोली थाना का घेराव करें, जब तक ये कीड़ा पुलिस इसको अरेस्ट करके जेल नहीं भेज देती है, तब तक आक्रोश थमना नहीं चाहिए। क्योंकि आज पहली बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा करते हैं, और इसको अगर रोकना है तो ताकत दिखानी होगी, संविधान की ताकत दिखानी होगी, जो बाबा साहब का दूसरा जो मूल मंत्र है, संगठित रहो, वो संगठन की ताकत दिखानी होगी। भीम सेना, तमाम जितने भी हमारे नीले झंडे वाले हमारे जो संगठन है, तमाम भीम सैनिकों को मैं आह्वान करता हूँ, अपील भी करता हूँ, हाथ जोड़ कर करता हूँ, इस मामले को थमने ना दें, पुलिस के ऊपर पूरा दबाव बना के रखें, थाने को घेरें, रोड को जाम करें, जो करना है वो करें, लेकिन इस कीड़े की गिरफ्तारी होने तक शांत ना बैठें। ये वही थाना है, कुछ समय पूर्व
जब हमारे कुछ चैनल के भाई लोग, जिनमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले मनोज अंतानी, जब गांव में जाकर के रूढ़िवादी परंपराओं को नष्ट करने का काम कर रहे थे, तो इन्हीं के जैसे ये कीड़े निकल करके पहले भी आए थे सामने, और आप लोगों ने कैसे इनका मजबूती के साथ सामना किया था, उनको मुंह की खानी पड़ी थी, वो समय दोबारा आ गया है। ऐसा फिर करना है जिससे कि ये अपनी सर को दोबारा उठा ना पाए। इनको एक सरों को वहीं के वहीं रोक दीजिएगा, काट दीजिएगा, पुनः ऐसी पुनरावृत्ति पैदा ना हो, इसका बिल्कुल ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।